नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम, हम दोनों बहुत छोटे शहर से आए हैं और हमें काम की ज़रूरत है। क्या हमें यहाँ काम मिल सकता है? देखो, तुम दोनों अभी नए लगते हो, तुमसे दुकानदारी नहीं होगी। नहीं नहीं मैडम, मना मत करिए। हमारे घर में बहुत दिक्कत चल रही है और हमें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन नया काम सीखने में टाइम लगता है। तुम्हारी तनख्वाह भी 6,000 रुपये महीना ही होगी और कम से कम 6 महीने तो काम करना ही पड़ेगा। कर लोगी तुम दोनों? पर मैडम, 6 महीने? हाँ मैडम, हम कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो फिर ठीक है, कल से आ जाना तुम दोनों। जी मैडम, धन्यवाद। अच्छा हुआ ना रुचिका, हमें ये नौकरी मिल गई। मैडम भी बहुत ही अच्छी है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सुन, ज्यादा मैडम की चमची बनने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे कुछ दिन काम सीखेंगे और फिर अपनी दुकान खोलेंगे। अपनी दुकान? लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? देख, हम यहाँ पे कुछ दिन काम करेंगे, मैडम का भरोसा जीतेंगे और फिर मैं मैडम को बोल दूंगी कि मुझे मेरी माँ के इलाज के लिए बड़ी रकम चाहिए और बस हो गया पैसे का इंतजाम। रुचिका, ये तुम बहुत गलत सोच रही हो। हमें किसी की अच्छाई का फायदा नहीं उठाना चाहिए। यार मुझे तेरे ज्ञान की जरूरत नहीं है, बस तू इतना सीख कि दुकान कैसे चलानी, बाकी मैं देख लूंगी। तो सर आप कौन सी शर्ट? ये वाली। सर ये 2300 की है। हाँ ठीक है, आप पैक कर दो। ओके सर, मैं काउंटर पे भिजवाती हूँ। रुचिका, ये शर्ट तो 1500 की थी ना, तुमने उनको 2300 रुपये क्यों बोले? अरे यार, अपनी दुकान के लिए पैसे भी तो इकट्ठे करने हैं ना। क्या मतलब? मतलब ये कि अब इस शर्ट में से जो 800 रुपये बचेंगे वो हमारी पॉकेट में आएंगे और ऐसे धीरे धीरे तो पैसे अरेंज होंगे। पर ये तो गलत है ना रुचिका। तू फिर से ज्ञान देने लग गई है ना, अपना काम कर। लेकिन 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 कुछ नहीं, शर्ट पैक कर। रुचिका, मैंने फैक्ट्री से 30 थान कपड़ा मंगवाया था लेकिन यहाँ पर सिर्फ 25 ही हैं। बाकी की कहाँ गए? मैडम उन्होंने 25 ही भिजवाया था, शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी। तुमसे बात करने से पहले मैंने उन्हें फोन किया था, वो कह रहे हैं कि उन्होंने 30 थान ही भिजवाए हैं और पार्सल भी तुम ही ने रिसीव किया है। तो अब आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं? मैं यहाँ दिन रात मेहनत कर रही हूँ ताकि आप मुझ पर इल्जाम लगा सके। नहीं नहीं रुचिका, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि नहीं, मुझे और कुछ नहीं सुनना। अब मैं ये काम नहीं कर सकती। काम नहीं कर सकती मतलब? अभी अगले हफ्ते हमने इतना बड़ा ऑर्डर डिलीवर करना है और ये सारा काम कौन संभालेगा? तो ये तो आपको मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले सोचना चाहिए था ना। मैं जा रही हूँ, चल तन्वी। नहीं रुचिका, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तो क्या बोल रही है तन्वी, हमारे पास अभी टाइम है अपनी दुकान खोलने का और मैंने वैसे भी एक दुकान देखी हुई है जिसका किराया 10,000 रुपये है। नहीं रुचिका, मैडम ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, उन्हें हमें कितना कुछ सिखाया है, हम उन्हें ऐसा छोड़ के नहीं जा सकते। तू अब भी इनकी तरफदारी कर रही है, अपने बारे में सोच तन्वी। नहीं रुचिका, मैं मैडम को इस वक्त ऐसा नहीं छोड़ सकती। तो तू भी मेरी बात ढंग से सुन ले, अगर एक बारी मेरी दुकान चल पड़ी और फिर तू मेरे पास रोते रोते आई ना, मैं तुझे कभी वापस नहीं लूंगी, समझी? मेरा साथ देने के लिए थैंक यू तन्वी। कैसी बात कर रही है मैडम आप, बल्कि आपने तो मुझ पर कितने उपकार किए हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ कुछ लोगों को जानती हूँ, मैं उनसे बात करके ये ऑर्डर किसी भी तरह पूरा करवा दूंगी। सच? जी। चलो मैं ड्रिंक्स लेकर आती हूँ।
रुचिका, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली तन्वी। तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये कपड़े? वो बस दिवाली का माहौल है तो, और मैडम ने मुझे 5,000 रुपये का बोनस दिया ना, तो मैंने सोचा अपने लिए नए कपड़े खरीद लूँ। तुम्हारी दुकान कैसी चल रही है? दुकान क्या बताऊँ यार। क्यों, क्या हुआ और तुम इतनी दुखी क्यों दिख रही हो? मैंने बहुत खुशी से अपनी दुकान खोली थी और 3 लोगों को काम करने के लिए भी रखा। फिर 2 से 3 महीने मैंने उन्हें काम सिखाया जो मैंने मैडम के पास सीखा था, और सब अच्छा चल रहा था। पर जब सब अच्छा चल रहा था तो अब क्या हो गया? फिर उन सब ने मिलकर अपनी दुकान खोल ली और ना मैं एक भी ऑर्डर पूरा कर पाई ना अपनी दुकान का किराया भर पाई। सब खत्म हो गया यार। रुचिका, मुझे ये सब अभी कहना तो नहीं चाहिए, पर कर्मा ने तुम्हारे साथ वही किया जो तुमने मैडम के साथ किया था। क्या मतलब? मतलब कि जब मैडम को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम उन्हें छोड़कर चली गई थी, और अब ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है। सही कह रही हो तन्वी, मेरी ही गलती है, मुझे माफ कर दो। रुचिका, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी दुकान शुरू करना चाहती थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम धोखे से शुरुआत करो। हाँ, और अब ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई है, मुझसे गलती हो गई यार। कोई बात, जो भी तुमने मैडम के साथ गलत किया अब उसे सुधारने की बारी। Karma is a thing which you cannot see, which you cannot touch, but it does exist. Make sure to keep a check on your activities. That's it for this story. See you next week. Khuda Hafiz and stay positive. If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.